तो कैसे लगा हमारा यह इलेक्ट्रिक बाइक का डिजाइन? इसे हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया है जिससे हम लोग लॉन्ग टूर पर जा सकते हैं। आज हम लोग लॉन्ग टूर पर भी जाएंगे और साथ ही साथ लोगों का रिएक्शन भी देखेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। हमने इस इलेक्ट्रिक बाइक पर सोलर पैनल, एक खास तरह का सोलर पैनल फिक्स कर दिया है जिससे यह इलेक्ट्रिक बाइक दिन में चार्ज भी होते रहेगा, यानी डिस्चार्ज होने का कोई समस्या भी नहीं है। और इसमें एक खास तरह का किट का यूज किया है जिससे यह वोल्टेज और एम्पियर को इसको मेंटेन करते रहेगा, जिससे यह चलते हुए आसानी से चार्ज होगा। दोस्तों, सबसे मजे की बात है कि यह जो सोलर पैनल है यह इसमें बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा, क्योंकि अगर दूसरा सोलर पैनल इसमें यूज करते हैं तो अच्छा से वर्क नहीं करेगा। तो इस सोलर पैनल और इस किट के बारे में, कनेक्शन के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे विश्वास है आप सब मिलकर के इस वीडियो पर 60,000 से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए ऐरा गैरा सोलर पैनल नहीं चाहिए होगा। इसे चलाने के लिए शार्क के जैसा पावरफुल सोलर पैनल चाहिए होगा। तो मैंने यूज किया है एक सोलर पैनल का जो अकेले ही 440 वाट प्रोड्यूस करता है। इस तरह के सोलर पैनल अमेरिका, चाइना, इस तरह के देशों में भी इस तरह का सोलर पैनल नहीं मिलेगा। इंडिया में केवल एक ही कंपनी के द्वारा यह सोलर पैनल बनाया गया है, उस कंपनी का नाम है लूम। नया पर शार्क सोलर पैनल लॉन्च किया है, यहाँ पर देख सकते हैं यह लूम कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है और यहाँ पर यह दिखाया हुआ है कि यह कितना वाट प्रोड्यूस करता है। इस सोलर पैनल का एक और खास बात है कि अगर किसी कारण से इस सोलर पैनल के एक भाग में शेड चला आ रहा है तो तब भी यह सोलर पैनल अच्छा से वर्क करते रहेगा। ये सबसे इसका अच्छा बात है, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक बाइक को रोड पर ले जाएंगे तो के छाव में इसका कुछ भाग ढक जाएगा जिससे इससे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो यह इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा। यह सोलर पैनल 45 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और 10.5 एम्पियर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने के लिए लगभग 330 वाट चाहिए होगा जो इस चार्जर पर दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक बाइक के चार्जर पर। लेकिन यह सोलर पैनल तो 440 वाट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ यह 45 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए 73.5 वोल्ट चाहिए होगा। यहाँ पर यह किट वोल्टेज और एम्पियर को कन्वर्ट कर देगा जिससे यह इजिली इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करते रहेगा। तो मैं यहाँ पर सारा ही सेटअप कर लिया हूँ। तो दोस्तों, मैं अब इस सोलर पैनल को इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने के लिए लगा दे रहा हूँ जिससे यह चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यह चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है। इस किट में से थोड़ा थोड़ा साउंड भी निकलता है। तो चलिए अब इसको लॉन्ग टूर पर ले चलते हैं और फिर देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रह रहा है और साथ ही साथ यह कितना दूर तक चल रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना किलोमीटर अभी दिखाई दे रहा है, 4218 किलोमीटर, और अभी यह फुल चार्ज है। तो हम लोग लॉन्ग टूर पर चलते हैं और फिर देखते हैं यह डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। मुझे तो विश्वास है कि यह डिस्चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों, अब मैं इसको देख के आगे चल रहा हूँ। ओ ये इलेक्ट्रिक बाइक मेरा सोलर पैनल से चल रहा है। दोस्तों, इसमें सबसे मजे की बात है कि मुझे धूप नहीं लग रहा है इस, और हवा भी मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है, क्योंकि धूप में जो हवा लगता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन छांव में जो हवा लगता है ना उसका मजा ही कुछ और है। बहुत ही मजा आ रहा है इसको चलाने में, धूप भी नहीं लग रहा है और साथ ही साथ चार्ज भी होते रह रहा है, डिस्चार्ज होने का कोई समस्या ही नहीं है। दोस्तों, जो भी चीज़ खुद से बनाया हुआ रहता है ना, उसे चलाने में या उसका यूज करने में तो बहुत ही मजा आता है। ओए 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 आहा, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए
कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और आपका कमेंट पढ़ने में तो मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. दोस्तों हम लोग बहुत घूम लिए, घूमते घूमते मैं थक गया हूँ और लगभग 100 किलोमीटर तक जा चुका है हमारा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर इस सोलर पैनल के मदद से। यहाँ पर देख सकते हैं कितना किलोमीटर जा चुका है, 4317 किलोमीटर। यह सोलर पैनल भी बहुत ही अच्छा से वर्क किया है, लूम कंपनी का सार्क मॉडल, बहुत ही पावरफुल सोलर पैनल है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। यह किट भी बहुत ही अच्छा से वर्क किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग साइंस वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।